इस नक्शे में हर मौसम है, सकाफत के सब रंग हैं। इनकलाब और तब्दीली के नारे भी हैं और रिवायत पसंदों के फलसफे भी। यहाँ अगर कुछ नहीं है तो शायद बर्दाश्त का रवैया नहीं है। पाकिस्तान में बर्दाश्त का रवैया खो चुका है। आज आलमी यौमे बर्दाश्त है, मगर फिर भी अदम बर्दाश्त के मुजाहरे हो रहे हैं। बसों में झगड़े, कतार में बेसब्री के मुजाहरे, जल्दी पहुंचने की धुन में ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ने में कोई आर नहीं। ये हम हैं जो कुछ बर्दाश्त नहीं करते। लोगों का कहना है कि सहूलियात का फुकदान मायूसी पैदा करता है और यही मायूसी बेसब्री की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एक दूसरे को लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गए लोग। हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी की वजह से ये सारा मसला पैदा हो रहा है। माशरे में किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। सब्र तो खत्म हो गई है क्योंकि हमें सहूलत नहीं है किसी चीज़ का, तो लाजमे से बात है सब्र खत्म हो जाएगी। ये बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, दुनिया में से महंगाई बहुत हो गई है। मजहब हो या सियासत, भवें तनी हुई हैं, लहजा बुलंद है और इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम। जब लोग माशी सतह पर सेटिस्फेक्शन नहीं पाते तो उसकी वजह से वो इनटॉलरेंट हो जाते हैं। सरा गाड़ी किसी की हिट होती है तो आप सोचिए अगले की जबान क्या होती है और उसके हाथ कितने चलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में लापता अफराद और बर्दाश्त के रवैये का मिलना एक मुश्किल काम हो गया है। आलमी यौमे बर्दाश्त पर ही अगर बर्दाश्त के रवैये को याद कर लिया जाए तो ये रूठा रवैया फिर से हमारे माशरे में जिंदा हो सकता है। कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ उस्मान गाजी, CNBC पाकिस्तान, कराची।